देश में किसानों की आर्थिक हालत सुधारने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने हाल में 3 नए विधेयक पारित किए हैं। नए कानून को लेकर विपक्ष कांग्रेस जहां इसे काला कानून और किसान विरोधी बता रहे हैं, वहीं भाजपा नेता इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। इसी के चलते बैतूल जिले के भैंसदेही में बैठक आयोजित की गई, जिसमे नए बिल को लेकर किसानों से चर्चा की गई। चार व्यापारी हैं, उनके लाइसेंसधारी, उनने किसी भी ढेर पे अपना हाथ रख दिया। आपस में बात तय करके उनने सौदा कर दिया कि ये रेट खुलेगा। उस रेट पे किसान को चाहते ना चाहते हुए अपना माल बेचना पड़ता था। अब यह स्थिति पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। किसानों को ओपन मार्केट मिलने वाला है। यहीं आपके बाजू में जहाँ महाराष्ट्र है, आप ले जाते हो अपना अनाज तो मंडी टैक्स देकर आपको चुकता करके जाना पड़ता है, लेकिन अब ये सारी स्थिति ख़त्म होने वाली है। किसान को जहां उसके फसल का अच्छा दाम मिले वहां जाकर पूरे देश में वो बेच सकता है। आपकी सार्थक पहल कहां तक सिद्ध हो गया अध्यक्ष? सिद्ध तो हो रही है, किसान समझ रहा है, हमारा कार्यकर्ता समझ चुका है, और वास्तव में यह इस बिल के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनेगा। मंडी तो बंद होनी नहीं ना, इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं ना। समर्थन मूल्य कम होगा ना, मंडी बंद होगी। ये जितना चल रहा है ये सब कांग्रेस की नौटंकी है, वो उनके दलालों के माध्यम से करवा रही है। वजह थी वहाँ के जो व्यापारी हैं जी, वो किसानों से औने पौने खरीदते थे, अब किसान बेचारा भी मजबूर है उनको देने के लिए, तो वो व्यापारी जैसा कहते हैं वैसा किसान मानता है। इस बिल के बाद में किसानों की वो बंदिश खत्म हो जाएगी। माने जो किसानों और बीच का जो बिचौलियों का रास्ता था वो दलालों काम खत्म हो जाएगा इस बिल के माध्यम से। भैया बता रहे थे कि बिल चार प्रकार के या तीन प्रकार के कैसे है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? तो अलग अलग, कोई मंडी को लेकर है, कोई समर्थन मूल्य को लेकर, ऐसे अलग अलग बिल है। तो 3 बिल पारित हुए हैं उसमें। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।